हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। तो आज यहाँ से हमारा निकलने का समय, तो आज हम अपनी अगली डेस्टिनेशन जा रहे हैं जो है मुंशारी। तो अभी सुबह के बज रहे 6:30 और हमने नहा भी लिया है और पूजा भी कर ली है। कुछ देर में नाश्ता करेंगे और फिर निकल जाएंगे अपने अगले सफ़र के लिए। तो उम्मीद करते हैं अब तक के जो जितने भी वीडियो हैं आपको पसंद आए होंगे, और बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिए। और वीडियो आने में थोड़ा कि लास्ट के जो एक दो वीडियो है तो उसमें थोड़ा डिले हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है। तो नीचे हम आ गए हैं नाश्ता करने। तो आज है भैया का बर्थडे, तो बहुत सारी चीजें बनी है, तो आपको दिखाते हैं क्या क्या चीजें बनी है और फिर नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं अपने अगले सफर के लिए। तो पूरी, पुए, छोले, रायता और साथ में ऊपर पहुंच गए हैं, निकलने के लिए हो चुके हैं तैयार और गाड़ी हो रही है कोल्ड स्टार्ट। और थोड़ी थकान तो ऊपर से नीचे थोड़ा ट्रैक करने में ही हो जाती है क्योंकि सामान लाना ऊपर नीचे, क्योंकि जो चढ़ाई है बहुत ज़्यादा स्टीफ है। तो ये है थल की छोटी सी मार्केट, अंदर को है, यहाँ से लेफ्ट में है मार्केट। अब हम ये पुल क्रॉस करेंगे। ज़्यादा खराब, तो मैं आपको दिखाता हूँ, काफी टूटा है। तो ये है रोड और नीचे बह रही है नदी। तो जो सामने है ये बहुत फेमस बिरती फॉल है जो मुंशारी जाते समय पड़ता है। तो आप देख सकते हैं दूर से ही इतना सुंदर दिख रहा है, अभी हम पास पहुंच जाएंगे तो आपको पास से भी दिखाएंगे कैसा। तो ये है फेमस बिरती फॉल, थोड़ा हम दूर पे खड़े हैं, वो पुल आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से जो व्यू है बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा है इसका। और आवाज़ पता नहीं मुझे आपको सुनाई दे रही होगी या नहीं दे रही होगी, तो पास जाके भी एक बार आपको ज़रूर आवाज़ सुनाऊँगा। और अगर मैं आपको बैकग्राउंड दिखाऊं तो ये देखिए बिरती फॉल का बैकग्राउंड बहुत ही प्यारा आपको दिखेगा। एक आप यहाँ से देखिए ये व्यू देखिए, बिरती फॉल कितना ऊंचा, फॉल कितनी एलिवेशन, मतलब कितना ऊंचा है ये, 1781 मीटर। और यहाँ से मुंशारी है 33 किलोमीटर। वीडियो में मुझे लगता नहीं उतनी अच्छी तरह से कैप्चर हो पा रहा होगा ये फॉल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और आवाज़ अंदर बगल से ही रास्ता आता है एक ऊपर पुल आप देख रहे हैं, इससे पहले मैंने वहाँ वीडियो बनाया था। तो बिरती फॉल के लिए तो आपको थोड़ा और करीब से दिखाते थे और हम भी खुद थोड़ा करीब से देख लेंगे क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता ऐसी चीज़ों को देखने का। तो ये देख सकते हैं आप इतना करीब से बिरती फॉल को, और पानी
बहुत ज़्यादा फोर्स से आ रहा है, तभी थोड़ा थोड़ा धुआं उठ रहा है यहाँ पे। और ये करीब 1781 मीटर की ऊंचाई पे है, जो पूरा ये झरना है वो मैंने आपको नीचे पढ़ा दिया था। तो नहीं कि हमारे पास उसकी पानी की बूंदें आ रही, लेकिन हल्की हल्की ठंडा ठंडक यहाँ पे महसूस हो रही है पानी की। ठीक है, थोड़ा और करीब जाएंगे, यहाँ पे शायद रास्ता नहीं है ऊपर से, हो सकता है पानी की बूंदें भी आए, लेकिन ठंडक महसूस हो रही है पानी की इतने दूर से भी। लगभग हम यहाँ से 200 मीटर दूर होंगे अभी बिरती फॉल से। मेरे पीछे से भी रास्ता थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो एक बार देख आते हैं अगर इसे थोड़ा और करीब दिखता है कि नहीं, और ये कहाँ पे जाता है। ये भी आ रही है पानी की, और ये ऊपर से, ये देखिए आपको दिख रही होगी, ये पूरी धार है, तो ये भी ऊपर से कहीं यहीं कहीं से आ रही है। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी पानी की धार और बहुत छोटे छोटे झरने हैं। वो देखिए आपको सामने भी दिख रहा होगा सफ़ेद, तो वो भी पानी का झरना है। तो काफ़ी स्रोत हैं पानी के। तो सबसे ऊपर पहुंच गए हैं, और ये है फाइनल चोटी बिरती फॉल। इसके बाद ऊपर कुछ रास्ता नहीं है, तो यहीं से है जितना पास आप देख सकते हैं बिरती फॉल, और मैं भी देख सकता हूँ। बूंदे हमें भी महसूस हो रही है पानी की, आप देख सकते हैं कितना दूर है ये फॉल। उसके बाद भी हल्की हल्की बूंदे मुझ पे आ रही है, मुझ पे क्या, पूरे आस पास जितने वातावरण है, मतलब जो दीवार है इसमें सब में आ रहा है। तो और मेरे हाथों में भी हल्का हल्का पानी की बूंदे आ गई है, मुंह में आ रही है, वो शायद दिखाई ना दे क्योंकि पानी का जो फोर्स है यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ है, पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा तेज़ है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे खड़े होने में मज़ा भी आ रहा है और थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि काफ़ी ऊंचाई है, तो क्योंकि खड़ी चढ़ाई है उसमें चढ़े हम, लेकिन बहुत ही अद्भुत मज़ेदार और बहुत बढ़िया दृश्य, मज़ा आ गया। चलते हैं यहाँ से, और आपको भी बहुत मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जब आप आएंगे तो ज़रूर यहाँ पे तो आना बनता है। और यहाँ पे हल्का हल्का दीवार और जो चलने वाला फर्श है, जो खड़ंच है, वो भी गीले हो गए हैं क्योंकि पानी का इतना फोर्स है। बाकी अब उतरते हैं नीचे, और मैं कोशिश करूँगा ऐसी चीज़ें आपको दिखाने की उत्तराखंड की, कुछ ऐसी भी चीज़ें होगी जो बहुत कम लोगों ने देखी है। तो धीरे धीरे जितना आप प्यार करते रहेंगे उतना हम उससे ज़्यादा हम प्रयास करते रहेंगे। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उतर रहे हैं तो यहीं से हमें नीचे उतर के जो हट है उसके पीछे हमने गाड़ी खड़ी करी है, वहाँ तक जाना है। जो रोड है अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत बेकार है, वो आपको मैंने दिखाई दी है, अपने रास्ते देख लिए, टूटे हैं क्योंकि हल्की बारिश और ये चीज़ें काफ़ी रहती है यहाँ। लेकिन आनंद मज़ेदार, क्योंकि जहाँ भी दिक्कत होगी जाने में, वहाँ पहुँचने के बाद मंजिल में मज़ा ज़रूर आएगा। भेड़ों ने रास्ता रोक दिया है, उनको भगाने की कोशिश की जा रही है। दिखा देता हूँ नीचे की, क्योंकि इतने ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ गए क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है।
बहुत ही ज़्यादा। ऐसे इतना प्यारा व्यू आ रहा है, तो बहुत बढ़िया व्यू है। चुके हैं हम अपने होटल में और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा कठिन और काफ़ी ज़्यादा टूटी सड़कें थी और वाटर क्रॉसिंग तो इतनी ज़्यादा ही, आप थक जाओगे जब भी आप आओगे। तो शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगेगा आपको वाटर क्रॉसिंग, वरना हर मोड़ में, हर एक किलोमीटर में, हर आधे किलोमीटर में वाटर क्रॉसिंग थी। तो करीब 30 से 40 वाटर क्रॉसिंग आई होगी, तो मैंने आपको सारी नहीं दिखाई, कुछ कुछ दिखाई, कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। फिर नई वीडियो में बहुत जल्द आपसे करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।